यूपी के जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर छापा, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं की समस्याओं को लेकर तथा महिलाओं को जागरूक कराने के उद्देश्य से IFS अदिति शर्मा तथा PCS दीपाली और PPS रत्ना पांडे ने कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, जिससे पूरे स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। HIV/AIDS की बीमारी से कैसे बचना चाहिए और कुपोषण रहित महिलाओं को पोषण दिलवाना मुख्य दावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद, यूपी। किया गया, क्या खामियां पाई गई और क्या निर्देश दिया गया आपकी तरफ से? देखिए, खामियां तो देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमारा काम खामियां और वो सब निकालना नहीं है। हमारा काम है कि हम महिलाओं से, बच्चों से जाकर के बात करें, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं उनको अवेयर करें, और उनके लिए जो परिस्थितियाँ बनाई गई हैं, फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, उनको देखें कि उनमें क्या क्या व्यवस्थाएँ दी गई हैं। खामियाँ देखने के लिए जिले में काफ़ी अधिकारी हैं और CMO साहब भी खुद स्वयं कार्य कर रहे हैं। हमने अभी आशाओं से बात करी, ANM से बात करी और यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हुए हैं इनसे भी बात करी है। हमारा काम यह है कि हम इनको अवेयर करें, इनमें जागरूकता लाएं और जागरूकता इस बात की लाएं कि उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार ने बना रखी हैं और क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। उसी संबंध में हमारा ये निरीक्षण है और उसी लिए हम CHC में भी आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, और वो ही रिपोर्ट हम शासन को। मतलब मैडम, एक चीज़ है कि जो प्रसूत महिला यहाँ पे आती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनको केवल अभी तक खाली दूध और खाली चाय दी जाती है और इसके अलावा ना तो भोजन मिलता, ना ही फल मिलता और ना ही कोई मेनू लिस्ट लगाई गई यहाँ पे। नहीं, हम अभी महिलाओं से बात भी करेंगे और यदि कोई ऐसी समस्याएं हैं तो जो राइट फोरम है वहाँ पर हम पुट अप भी करेंगे। ठीक है।